टीवी एक्टर शब्बीर अहलूवालिया इन दिनों जी टीवी के शो राधा मोहन में लीड रोल निभा रहे हैं। इस शो को काफी पसंद किया जाता है और शब्बीर के किरदार को भी जनता काफी पसंद करती है। लेकिन इसी शो से शब्बीर का अब एक नया लुक सामने आया है, जिसके बाद अचानक से शब्बीर की हर ओर चर्चा होने लगी है। दरअसल राधा मोहन शो का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी किया है, जिसमें शब्बीर अहलूवालिया एक महिला के अवतार में नजर आए हैं। आंखों में काजल, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, हाथों में चूड़ी, पैरों में आलता और व्हाइट एंड रेड साड़ी एक बंगाली महिला की तरह, और बैकग्राउंड में कुल भुलैया का पॉपुलर सॉन्ग भी प्ले हो रहा है। शब्बीर के इस महिला अवतार ने तो फैंस को हैरान कर रख दिया। लोगों की आंखें शब्बीर के इस लुक को देखने के बाद फटी की फटी रह गए। फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे और ये तक कह रहे हैं कि इस नए अवतार और ट्रैक से शब्बीर बहुत बड़ा कमाल कर देंगे। साफ है कि शब्बीर आने वाले ट्रैक में इसी रूप में नजर आएंगे और खबरें हैं कि वो कहानी में अपने इस नए अवतार से एक बड़े रहस्य को खुलते नजर आएंगे। शब्बीर का ये अवतार एक खास ट्रैक के लिए प्लान किया गया है, जो कहानी को काफी ज्यादा बड़ा मोड़ देगा। तो वहीं इसी बीच अपने इस औरत लुक और शो के ट्रैक पर शब्बीर ने भी काफी कुछ कहा। शब्बीर ने अपने इस लुक को लेकर कहा है, बहुत से स्टार्स ने अपने करियर में कभी ना कभी क्रॉस ड्रेस किया है, लेकिन ये आमतौर पर कॉमिक रिलीफ के लिए होता है। इसके अलावा मेरे किरदार का महिला अवतार में बदलाव कहानी के स्तर और तीव्रता को बढ़ा देगा। मैंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हमने अपना सब कुछ लगा दिया। मुझे आशा है कि मैंने स्क्रिप्ट के साथ न्याय किया है और ऑडियंस इस सीक्वेंस का आनंद लेंगे। खैर, अब देखना यह है कि शब्बीर के इस नए अवतार से कहानी में क्या कुछ बड़ा रहस्य खुलेगा और क्या क्या मोड़ आएंगे। लेकिन शब्बीर का ये नया लुक देख आप क्या कहना चाहेंगे, शेयर कीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में।